हेलो एवन, कैसे आप सब? वेलकम यू ऑल इन डीपीटीसी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ठीक है, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने पहले भी अभी एक टेस्ट लिया था, तो उससे पहले हम जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने अपना टॉपिक कवर किया है, और उसी में नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ठीक है, आप लोगों के प्रिंसिपल स्ट्रेस जो टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, उसके पास बचता है एक स्प्रिंग वाला टॉपिक जो हम कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ टॉपिक और होगा, जैसे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक है, वो मैं एडवांस में आपको करवा दूंगा लास्ट में, कि इन केस अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर कर सकें। ठीक है, और सो फार बात करें अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और बात करें सोम की, तो जितने आपके चैप्टर मैंने करवाए हैं, ठीक है, चाहे वो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन हो, चाहे वो आपका थर्मल स्ट्रेसेस हो, चाहे वो SFD BMD हो, ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगर और यहाँ से क्वेश्चन को सही करने का एक बेस्ट तरीका है कि इसमें जो कंडीशन दे रखी है, अगर आपने उन कंडीशन को ढंग से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर जाएंगे। ठीक है ना, एक काम करना है, सिंपल सी बात, देखिए कंडीशंस को मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर में जो कंडीशंस आएगी उसको हम समझेंगे भी, लेकिन हमको रिजल्ट जो है वो सीधे याद रखने हैं। ठीक है, तो जब ये अपना लेक्चर ख़त्म होगा, तो जिसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स स्लोप और डिफ्लेक्शन के जो केसेस हैं, वो आप एक पेज पे खुद नोट डाउन कर लेना, नोट से उतार के, और उसको याद कर लेना, या अपनी जो भी रेसिडुअल टेबल है वहाँ रख लेना, या दीवार पर चिपका देना, जब जहाँ भी आओ जाओ उसको आप एक बार रीडिंग मार ही लेना दिन में। ठीक है ना, क्वेश्चन जरूर आएगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ठीक है, अब देखिए जो बीम होती है, ठीक है, बीम होती है, बीम में लोडिंग आती है। ठीक है, अपन इससे पहले अपने केसेस पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो ये कोई सिंपली सपोर्ट बीम हो गई है, ठीक है, और ये इसके फोर्स हो गया है, ठीक है, ऊपर से इस पर मान लो फोर्स आ गया, इस पर बेंडिंग भी आएगी, है ना, इसका अभी बात करें BMD, सुबह उसमें बेंडिंग भी आएगी, बेंडिंग भी होएगी। ठीक है, तो बेंडिंग होने से क्या लोड आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स डेवलप होगा, तो उससे डिपेंड करता है उस, और उनसे क्या हो सकता है, उनसे जब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा तो उनसे आपका क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस पर डिफ्लेक्शन भी आएगा बीम में। ठीक है, तो बात करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन से। ठीक है ना, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ एंड कंडीशंस। देखिए अब ये ध्यान दीजिए, जो एंड कंडीशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब देखिए, ये एक कैंटिलीवर बीम है, दिख रहा है आपको, ए बी इज ए कैंटिलीवर बीम, उसका ए सिरा क्या है, ए आपका है फिक्स, ठीक है, और आपका जो सिरा बी है, ठीक है, वो क्या है आपका कैंटिलीवर है, तो फ्री एंड है वो। ठीक है, तो ये जो आपका कैंटिलीवर है, ठीक है, इस कैंटिलीवर में आप देखोगे कि ए तो आपका फिक्स है और बी आपका फ्री पॉइंट है, फ्री पे एक लोड लग रहा है, ठीक है, लोड आपका पी, ठीक है ना, फ्री पे आपका लोड लग रहा है, मान लो कोई पी, ये आपका पी लोड हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें जो स्टैंडर्ड केसेस हैं, स्टैंडर्ड जो केस है वो क्या है, ठीक है, तो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर जो सिरा आपका फिक्स होता है, ठीक है ना, किसी भी बीम का वह सिरा जहाँ फिक्स एंड मोमेंट होता है, जहाँ फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट पे, फिक्स एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, जीरो। ठीक है, कैसे, अब देखो ये आपका फिक्स एंड हो गया, ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये आपका फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड पे अगर लोडिंग आएगी तो ये एंड फिक्स है, तो ना तो ये इसका मुंह नीचे की तरफ जाएगा और ना इस मोमेंट जनरेट होगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप दोनों को दोनों क्या होंगे, जीरो होते हैं, किस पे, फिक्स एंड पे, यदि एंड क्या हो, फिक्स हो तो। ठीक है, सेकंड केस, अगर एंड आपका फ्री होगा तो फ्री एंड पे ना तो स्लोप जीरो होगा और ना ही डिफ्लेक्शन जीरो होगा, कैसे, जैसे मान लो ये आपका पी फोर्स है और आप देखोगे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो जैसे ही पी फोर्स आएगा ये ऐसे पूरा ये बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका थीटा, ये क्या हो गया, थीटा यहाँ पे स्लोप, ठीक है, और ये इस इतने अमाउंट का यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा डिफ्लेक्शन, तो थीटा बी और डेल्टा बी दोनों जीरो नहीं होंगे, कहाँ पे, फ्री एंड पर। ठीक है,
ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार तो क्या होता है, एंड कंडीशन अगर आपको पता लग जाए ना तो आप सही आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर मान लो फिक्स, सपोज मान लो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपको बताने के लिए, लेट सपोज कई बार आपको बीम दे दी, ठीक है, आपको बोल दिया भाई ये कोई मान लो लेट सपोज बीम है, ठीक है, और आपसे बोले भाई सपोज ये कह दोगे ऐसे कोई बीम हो गई, ठीक है, और आपसे बोले ये बीम है आपकी और ये इसमें सपोज ये एंड सारे पोल उसमें फिक्स है, दोनों फिक्स एंड बोलेंगे, फिक्स एंड हैं तो बोलेंगे ए और बी पे कितना डिफ्लेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, फिक्स एंड है तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो होगा। तो आपको पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है फिक्स एंड पर, स्लोप भी जीरो होता है उसे, ठीक है। आगे चलते हैं, इन दोनों एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान हमेशा जीरो होता है फिक्स एंड, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा केस है सेकंड, क्या ये हमारे सिंपली सपोर्ट भी, यानी कि ए और बी क्या हिंज है, क्या हिंज। अब देखिए ए और बी हिंज सपोर्ट है, तो ए और बी हिंज सपोर्ट है तो डिफ्लेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिएक्शन आ गई है, वर्टिकल रिएक्शन आ गई। तो ए और बी जब हिंज सपोर्ट होते हैं तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो तो जीरो होगा दोनों में, लेकिन स्लोप जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। अभी तक आपने दो केस समझे, पहला केस क्या समझा, अगर हमारा फिक्स एंड है, क्या एंड है फिक्स, तो फिक्स एंड पे स्लोप भी जीरो और डिफ्लेक्शन भी जीरो, फ्री एंड पे ना तो स्लोप जीरो होगा ना डिफ्लेक्शन जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है अगर हमारा सिंपली सपोर्ट भी, यानी हमारा हिंज सपोर्ट होगा, हिंज सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन तो जीरो होगा लेकिन स्लोप जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज़। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारी एक प्रकार से बोल सकते हो आप, अगर आपकी कैंटिलीवर बीम या सिंपल सपोर्ट बीम विद ओवरहैंग बोल सकते हो, कैंटिलीवर नहीं है सिंपल सपोर्ट बीम है भाई, ये आपका देखो हिंज हो गया, ठीक है, ये रोलर हो गया और ये फ्री एंड हो गया, तो अगर वन साइड ओवरहैंग है, ठीक है, इस तरफ ओवरहैंग हो गया, ठीक है, ये मान लो ऐसी बीम हो गई ये और यहाँ पर ओवरहैंग हो गया, तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में जो आपका ये पॉइंट है सी, सी पॉइंट पर तो डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों आएंगे, ठीक है। ए पे देखें, ए पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, ठीक है, और देखिए बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट पे भी क्या डिफ्लेक्शन जीरो होगा लेकिन स्लोप जीरो नहीं होगा, स्लोप आएगा, ठीक है ना, स्लोप इस केस में आएगा आएगा, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है स्पेशल केस, ऑल केसेस हैव प्रिज्मेटिक सेक्शन, यही कॉन्स्टेंट, यहाँ से आपके स्पेशल केस स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ये पहले तीन के समझ लेना, और इन तीन में भी आपको मेन ये दो तो ध्यान रखना है, एक तो ये और एक ये दो आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल केस फर्स्ट। स्पेशल केस फर्स्ट क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है ए बी, ठीक है, उसका स्पान है एल, कैंटिलीवर बीम ए बी स्पान है एल, इस पे एक लग रहा है मोमेंट या बोल दे कपल एम, क्लॉकवाइज है और बी पॉइंट पे लग रहा है, तो बोलेंगे तो बताइए बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा बी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए ये ए तो अब तो कहने जरूरत नहीं है, ये क्या है फिक्स है, तो यहाँ तो डेल्टा ए यानी कि डेल्टा ए बी जीरो और थीटा ए बी जीरो हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। अब जो इसका फार एंड है यानी कि जो बी सपोर्ट है वहाँ पे देखिए स्लोप भी आएगा, देखिए ये स्लोप ये रहा थीटा बी और क्या आएगा ये डिफ्लेक्शन पे आएगा ये रहा डेल्टा बी, ठीक है डेल्टा बी। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसको इसका जो रिजल्ट है ठीक है ना, इस अब जो कोई अब कोई पूछेगा सर ये आंसर कहाँ से आए, ठीक है, ये इनको हम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलेज मेथड, एरिया मोमेंट मेथड, वहाँ से हम स्लोप डिफ्लेक्शन निकालते हैं, लेकिन चूंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, हमारा पेपर क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हालांकि आगे वाले स्लाइड्स में मैंने आपको जो मेथड बताऊंगा डबल इंटीग्रेशन और मैकॉलेज और एरिया मोमेंट, तो वहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है कन्वेंशनल का, ताकि आपका वहाँ से भी कुछ ना कुछ टॉपिक कवर हो जाए, ठीक बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो पेपर है वो क्या है ऑब्जेक्टिव है नॉट सब्जेक्टिव, हमको मास्टर नहीं बनना है, हम
आपको एग्ज़ाम पास करके जैन बनना है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना, आपको मास्टर नहीं बनना है इस चीज़ का, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो आपका केस क्या था, ये आपका था कि आपकी एक कैंटिलीवर बीम है और स्पान एल है, ए फिक्स है और बी फ्री है, कपड़ लग रहा है एम, ठीक है। अब देखिए थीटा बी, ये स्लोप होगा एम एल अपॉन में ई आई, एम एल अपॉन में ई आई, और डिफ्लेक्शन होगा एम एल स्क्वायर अपॉन में टू ई आई, सिंपल, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा भूल जाए, सपोज आपको याद रह जाए स्लोप तो एम एल अपॉन ई आई था लेकिन डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आपको अगर पता होगा, ये देखो ये मैंने कर्व बन रहा है, ये क्या लिखा, आर्क ऑफ ए सर्किल, तो आर्क ऑफ ए सर्किल की प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान हो, भाई सपोज ये स्ट्रेट लाइन होगी, भाई ये सपोज ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और ये सपोज आपका पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, और आपका ये क्या बन रहा है, आर्क ऑफ ए सर्किल बन रहा है, ये आपकी क्या लेंथ एल है, ये क्या है थीटा बी है, तो ये जो सामने वाली लेंथ है, ये वाली, ये जो यहाँ से आता है, ये क्या होता है, ये होता है डिफ्लेक्शन बी, डिफ्लेक्शन ये होगा थीटा बी इंटू एल, यानी आर्क ऑफ ए सर्किल है तो ये लेंथ कितनी होगी, थीटा बी इंटू एल, थीटा बी एम एल अपॉन ए इंटू एल करोगे तो आप एम एल स्क्वायर अपॉन टू ए बन जाएगी, ध्यान, ठीक है। तो पहला केस सिंपल था, हमने समझ लिया है। अब हमारा अगला केस, केस नंबर सेकेंड, अब देखिए कैंटिलीवर बीम है और इसकी जो फार एंड है यानी बी है वहाँ पे अब क्या लग रहा है, ये पॉइंट लोड पी लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल थीटा बी पी एल स्क्वायर अपॉन में टू ई आई और हमारा डेल्टा बी डिफ्लेक्शन ऑफ बी पी एल के ऊपर में थ्री आई, वही अगर आपको पता होगा पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान, अब बोलेगा सर यहाँ पे तो आपने बोला कि मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आर्क ऑफ ए सर्किल यहाँ पे था, कपल लगा था और यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा था, तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना चीज़ को, और ये हर जगह ट्रिक काम नहीं आएगी, लेकिन आपको अभी तो जो मेन आपको बताया वही ध्यान रखना, एम एल ओपन में ई आई और एम एल स्क्वायर में टू आई, ठीक है। यहाँ पे पी एल के ओपन में पी एल स्क्वायर अपॉन टू आई और पी एल के ओपन में थ्री आई, कब, जब पॉइंट लोड, ये वाला जो केस है ना, केस नंबर सेकेंड ड्यू टू पॉइंट लोड पी एल स्क्वायर अपॉन टू आई और पी एल के ओपन थ्री आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पर ही हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगला करते हैं टॉपिक, अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, अगला देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो के सेकेंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे तो देखिए ए और बी पूरा स्पान एल है और फ्री एंड पे पी लग रहा है, ठीक है, जबकि के थर्ड में क्या है, पूरा स्पान, तो ये सपोज पूरा स्पान जो आपका है यहाँ से, पूरा यहाँ से यहाँ जो स्पान है ये वाला, ये लेट सपोज आपका एल ही है, लेकिन यहाँ दो भागों में डिवाइड है भाई, पी से ए और पी, सॉरी ए से बी और बी से सी, तो पी जो है वो लग रहा है यहाँ से ए और यहाँ से बी दूरी पर, ठीक है। तो इस डायग्राम को समझो, देखो अब देखिए सिंपल सी बात है, जब जहाँ पी लग रहा है तो यहाँ पे डेल्टा बी भी होगा, डेल्टा बी ये रहा, ठीक है, और ये थीटा बी स्लोप है, ठीक है, ये रहा थीटा बी स्लोप रहेगा, सीधी लाइन आ गई, और ये थीटा सी रहेगा। अब देखिए यहाँ तो डिफ्लेक्शन डेल्टा बी है और यहाँ डिफ्लेक्शन कितना होगा सी पर, डेल्टा सी वन यहाँ पे और डेल्टा सी टू यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात इसको समझ में डायग्राम को आप, कि ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा बी ये बराबर है डेल्टा सी वन के, देखो ये जो ये एकदम रेक्टेंगल ब्लॉक बन गया ना, जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन है उतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन निकालना है डेल्टा सी टू तो थीटा बी इंटू बी कर दोगे आप, ठीक है। देखो कैसे, देखिए डेल्टा बी बराबर में डेल्टा सी वन, यानी कि ये डेल्टा बी आपका है वो बराबर है डेल्टा सी वन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा सी टू, डेल्टा सी टू बराबर में थीटा बी इंटू बी, थीटा बी इंटू थीटा बी इंटू सॉरी ये वाला, तो देखिए डेल्टा बी बराबर सॉरी थीटा बराबर में क्या है थीटा सी, ये स्लोप जितना यहाँ पे उतने स्लोप यहाँ पे है, और डेल्टा सी, डेल्टा सी वन प्लस डेल्टा सी टू, डेल्टा सी वन किसके बराबर में है डेल्टा बी की ये रहा, और डेल्टा सी टू क्या है थीटा बी इंटू बी। अब देखिए इसमें इसका आंसर समझिए, देखिए थीटा बी बराबर थीटा सी पी एल स्क्वायर अपॉन में टू ए, सिंपल सा केस है, देखिए ये रहा आपका, आप इसको अगर इसको ध्यान से पढ़ना तो आप इसको इधर वाले को भूल जाइए, पर इसको भूल जाइए, पर ये बन जाएगा आपको वही केस, कैंटिलीवर बीम है पी और ये ए, तो पी एल स्क्वायर अपॉन
सॉरी पी एल की जगह ए, ए स्क्वायर अपॉन में टू ए हो जाएगा, पी ए स्क्वायर अपॉन में टू ए, जितना भी उतना ही सी, और डेल्टा बी पी ए के ऊपर में थ्री आई। डेल्टा सी क्या होगा, डेल्टा बी यानी पी ए के ऊपर थ्री आई प्लस थीटा बी पी ए स्क्वायर अपॉन टू आई इंटू बी, ठीक है। और सिंपल केस क्या हो जाए, जब दोनों ही स्पान क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पी है वो सेंटर में लगे, यानी कि ए और बी के हैं एल बाई टू, तो आपके ए और बी का मान एल बाई टू पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका थीटा बी थीटा सी पी एल स्क्वायर अपॉन में ए टी आई, और डेल्टा सी 5/48 पी एल के ओपन में ई आई, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ना आपके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो केस है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में हमने देखा है ये जो केस है ना, कौन सा केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन बताई देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज वो बोलते हैं कि भाई सपोज वो बोलते हैं ऐसी कोई बीम है ना, तो ये कोई बीम है, ठीक है, और ये है फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब वो बोलते हैं ये बीम है फिक्स सपोर्ट है, वो कह देगा यहाँ पे स्पान है एल, ठीक है, और वो कह देगा कि सपोज ये कोई प्रॉप कैंटिलीवर, प्रॉप कैंटिलीवर क्या होती है, कैंटिलीवर के अगर एज पे यहाँ पे रिएक्शन हो जाए, सपोज ये रिएक्शन है आर, तो ये क्या है, प्रॉप कैंटिलीवर है, ठीक है, और कह देगा इसके ऊपर लोड लग रहा है फ्री एंड पे डब्ल्यू, ठीक है, बस समझो ऊपर लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो वो बोलता है उस केस में तो बताइए, ऐसा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, तो बताइए कि भाई डिफ्लेक्शन कितना होगा, या पूछ लेगा आर की वैल्यू कितनी होगी, आर का मान ही पूछ ले आपसे, इससे जो आर की वैल्यू है ना, आपसे इस आर की वैल्यू पूछ ले, तो कैसे बताओगे। तो आप देखोगे है तो प्रॉप कैंटिलीवर, तो यहाँ से ऊपर भी डब्ल्यू भी आ गया, अगर ये आर नहीं होता ये वाला, तो आप सीधा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में थ्री ए डिफ्लेक्शन होता, लेकिन आप इस एक चीज़ नोट करोगे कि ये डिक्शन आपके डब्ल्यू आ रही है, उसको सपोर्ट करके आर, तो यहाँ पर नेट डिफ्लेक्शन कितना है, जीरो, नेट डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो, तो नेट में जीरो का मतलब क्या है कि डब्ल्यू एल क्यूब, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में थ्री ई आई, ठीक है, माइनस आर एल क्यूब अपॉन में थ्री ई आई बराबर क्या है, जीरो। इस तरह से घुमा के अगर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर देखिए। केस फोर में क्या है, आपकी एक कैंटिलीवर बीम देखिए आपको, ए और बी, अब यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द स्पान, क्या लग रहा है उसको, यूडीएल लग रहा है, तो देखिए क्या होगा कि थीटा बी, और थीटा बी होगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में सिक्स ई आई, और डेल्टा बी डब्ल्यू एल फोर अपॉन में ए टी आई, अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड दिस आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम केस नंबर फाइव, तो केस नंबर फाइव क्या देखिए, केस नंबर फाइव को आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए थ्रू आउट द स्पान यूडीएल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ए तक यूडीएल नहीं है, लेकिन उसके बाद यूडीएल है, इसको पैसे भी कर सकते हो कि पूरे पे यूडीएल लगा के और इतना यूडीएल माइनस कर दो, तो डेल्टा भी कितना होगा, पी एल क्यू अपॉन में सिक्स ई आई, अगर पूरे को लें, माइनस पी ए क्यू अपॉन में थ्री ई आई, सिक्स ई आई सॉरी, इसको ले लो, तो ये बचा वाला इसका आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ी सिंपल ट्रिक होती है समझने की, ठीक है। और डेल्टा बी निकालना हो तो डब्ल्यू एल फोर अपॉन में ए टी आई माइनस डब्ल्यू ए फोर अपॉन में ए टी आई प्लस डब्ल्यू ए के अपॉन में सिक्स ए इंटू बी, सिमिलर पहले वाले केस। लेकिन अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आए हैं, मैंने भी दिए हैं सबने, कई बच्चों ने एग्ज़ाम भी, आप ऐसे बच्चों ने काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे, मैंने ऐसा केस नहीं देखा, ठीक है। तो अगर ये रिमेंबर याद ना भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर ये वाले केस तो याद होने चाहिए, वन टू थ्री फोर, तो पहले चार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों याद ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है, वो लास्ट की बातें हैं, जब आपको नोट्स कंपाइल करोगे ना तब आपको बताएंगे कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपना है, ये हमारा है देखिए, अगेन कैंटिलीवर बीम है, अब यूवी लग रहा है, यूवी लग रहा है यहाँ पे जीरो, यहाँ पे डब्ल्यू पर मीटर लग रहा है, थीटा बी यहाँ तो देखो फिक्स सपोर्ट, अगर जीरो दोनों जीरो जाएंगे ए पे, थीटा बी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ए, और डेल्टा बी डब्ल्यू एल फोर अपॉन में 30 ए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा केस आपका केस नंबर फाइव। अब आते हैं अपने केस नंबर सिक्स की तरफ, ठीक है।
केस नंबर सिक्स क्या देखिए, एक हमारा सिंपली सपोर्ट बीम में अब दोनों तरफ लग रहा है कपल एम, दिख रहा है आपको दोनों तरफ एम लग रहा है, तो थीटा ए और थीटा बी बराबर रहेगा, वो होगा एम एल अपॉन में टू ई आई और मैक्सिमम एम एल स्क्वायर अपॉन में ए टी आई, ठीक है। और देखिए थीटा सी यानी कि स्लोप एट दी मिड स्पान इज इक्वल टू जीरो, बट डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम हियर, कहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक सिंपली सपोर्ट बीम है और उसके एक एंड पे क्या लग रहा है, कपल एम लग रहा है, ठीक है। तो थीटा ए एम एल अपॉन सिक्स ई आई, थीटा बी एम एल अपॉन थ्री ई आई और मैक्सिमम यहाँ आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन में नाइन रूट थ्री और कहाँ पे एल बाई रूट थ्री पे। ये केस कहीं दिख रहा है आपको, कहीं पहले कहीं सर दिख रहा है ऐसा केस कहीं देखा हो आप लोगों ने, तो दिख रहा है आप एस एफ डी बी एम डी से चैप्टर खोलना, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि एक आपकी सिंपली सपोर्ट बीम जिसपे क्या लग रहा था यूवीएल, ये वाला केस ए और बी, ठीक है, याद आ गया ना, उस वो वही वाली वैल्यू सारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगेन रिमेंबर दिस केस आल्सो, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक केस आठ का है मैंने आपको, ठीक है। अब आपका आज का टास्क क्या है, जितने आठ का केसेस हैं इनको आपको कंसीडर करना है और इनको समझना है, ठीक है। इस केस पर अगर कोई क्वेश्चन आपका करना अटैम्प्ट करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन कल जो हम वापस डालेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें और वीडियोस भी और केसेस आपको बताऊंगा और उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको उसमें थोड़ा सा बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और अभी तक के जो केस हैं ये वाले 1, 2, 3, 4 है ना, इन पे बेस्ड गुप्ता में क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक कैंटिलीवर बीम ए बी है, लेंथ एल है, उस पर कंसंट्रेट लोड लग रहा है डब्ल्यू मिड स्पान पे, ठीक है, सी पे। इफ फ्री एंड पे जो है, ठीक है ना, इफ फ्री एंड सपोर्टेड टू ए रिजिड टॉप, टॉप कैंटिलीवर है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर कहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके बताइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है ना। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी या बुक से नकल मार के लिख देंगे, उससे कुछ नहीं होगा, बेहतर ही होगा अगर कोई बच्चा इसका सॉल्यूशन करके दिखाए तो बेस्ट है वो, ठीक है ना, सॉल्व करके कॉपी में, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा कि किसने इसका सॉल्यूशन किया है कि नहीं किया, देखेंगे उसका। तो अभी के लिए था, अभी के लिए फिर कल अगला जो इससे आगे बढ़ टॉपिक सुपल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।